चाइनीज फूड तो बच्चों बड़ों हम सभी का बहुत ही फेमस है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चाइनीज पराठा की ऐसी रेसिपी जिसमें आपको एक ही साथ नूडल्स, फ्राइड राइस और स्प्रिंग रोल सभी का टेस्ट आने वाला है। तो बहुत सारी सब्जियों और चाइनीज फ्लेवर के साथ चलिए इस पराठे को बनाना स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ लीना। मेरे चैनल रेसिपीज बाय लीना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सुपर टेस्टी इस चाइनीज पराठा को बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1.5 कप आटा। तो हम यहाँ पे इसे बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाएंगे, तो इसीलिए मैं गेहूँ के आटे का यूज कर रही हूँ। आधा चम्मच में इसमें चिल्ली फ्लेक्स डाल रही हूँ। 1 चम्मच मैंने ये सफेद तिल लिए हैं जो बहुत ही क्रंचीनेस लाएंगे हमारे पराठे में। आधे चम्मच से भी कम मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। चॉप धनिया डाल देंगे और इसे हम अच्छे से कर देंगे मिक्स। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका एक डो तैयार कर लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा टाइट या बहुत ज़्यादा ढीला डो नहीं बनाना है। जिस तरह नॉर्मल हम चपाती बनाते हैं उसी तरह का डो हमें बना के तैयार करना है। तो अच्छे से आटे को मसलते हुए मैं एक डो तैयार कर लूँगी। जितना अच्छा हम आटे को मसलेंगे उतना ही बढ़िया हमारा डो बन के तैयार होगा और उतना ही बढ़िया हमारा पराठा बनेगा। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूंगी। तो चलिए इन द मेन वाइल हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक आलू लिया है। आलू को मैं सबसे पहले स्लाइसिस में काटूंगी। इस तरह का राउंड राउंड और लंबे लंबे स्लाइसेस में हमें काटना है और इसकी थिकनेस का भी बहुत ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा पतली थिकनेस के आलू हमें नहीं काटने हैं। देखिए इस तरह की थिकनेस हमें चाहिए। बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है। अब हम इसे लंबा लंबा काटेंगे। जिस तरह से हम फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं ना उसी तरह से हमें काट के इसे तैयार करना है। ये देखिए इस तरह से। तो आलू को काटने के बाद ना हम इसे 5 से 7 बार अच्छे से साफ पानी में धो लेंगे ताकि इसका स्टार्च अच्छे से निकल जाए। ये देखिए मैंने आलू को अच्छे से धो के तैयार कर लिया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसे पैन में लगा देते हैं। तो पैन में मैं 2 से 3 चम्मच ऑयल की डालूंगी। अब हमने जो आलू काट के तैयार किए हैं वो मैं इसमें डाल रही हूँ और मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। हमें इसका गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। वैसे तो नूडल्स या फ्राइड राइस में आलू का यूज़ नहीं होता है, बट इस तरह से फ्राई करके हम इसमें डालेंगे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा इससे हमारे पराठे में। तो देखिए आलू पर अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और कलर आने के बाद ये अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुके हैं। तो चलिए इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो प्लेट में निकालते वक्त बाकी का ऑयल हम पैन में ही रहने देंगे क्योंकि अभी इसी पैन को हम यूज़ करने वाले हैं। अब इसके अंदर मैं बारीक कटा हुआ लहसुन और बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल रही हूँ। लहसुन का टेस्ट इस पराठे में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चाइनीज़ फ्लेवर्स में लहसुन का बहुत ही बड़ा महत्व होता है, तो हमें लहसुन को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। बट फिर भी अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने लंबा लंबा प्याज काटा है। प्याज के लच्छे मैंने काट के तैयार किया और इसे भी मैं हाई फ्लेम पे अच्छे से भूनूंगी। बहुत ज़्यादा लाल भी नहीं करना है हमें प्याज को, बस उतना ही चलाना है कि बस इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो आपको तो पता ही होगा चाइनीज़ की कोई भी डिश बनाई जाए तो हाई फ्लेम पे बनाई जाती है। तो देखिए प्याज का कच्चापन दूर हो चुका है। अब मैं इसके अंदर एक गाजर डाल रही हूँ। गाजर को मैंने अच्छे से जूलियंस में काट के तैयार किया है। इस तरह से गाजर को भी हम प्याज में अच्छे से भून लेंगे। तो गाजर और प्याज को भुनने के बाद हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी मैंने इसी तरह से लंबा लंबा काट के तैयार किया, आप देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे बंद गोभी। बंद गोभी को मैंने इस तरह से लंबा लंबा काट के तैयार किया है। नूडल्स में भी इसी तरह से बंद गोभी को काटा जाता है, आपको तो मालूम ही होगा। तो अच्छे से इसे स्टर कर लेंगे हाई फ्लेम पे। हमें बहुत ज़्यादा भी इसे नहीं भुनना है, बस उतना भुनना है कि ये हल्के हल्के से सौते हो जाएं और इनकी क्रंचीनेस बनी रहे। तो देखिए सब्जी को मैंने अच्छे से हिला लिया है। सभी चीज़ें कितनी ही कलरफुल और कितनी ही बढ़िया लग रही हैं देखने में, जो खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगने वाली हैं। और ये नए तरीके का पराठा बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो अभी हमने जो आलू के फ्रेंच फ्राइज तैयार किए हैं वो हम इसमें डाल देंगे और इसे भी इन सब्जियों के साथ अच्छे से हम स्टर कर लेंगे।
तो देखिए सभी चीज़ें आपस में अच्छे से मिलजुल गई हैं। तो चलिए फटाफट से इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। आधा चम्मच मैं चिल्ली फ्लेक्स डाल रही हूँ, ये मैंने ऑरेगैनो लिया है। आधा चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ, चिल्ली फ्लेक्स मुझे थोड़े से कम लग रहे हैं, मैं थोड़े से और डाल रही हूँ इसमें। इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। वैसे तो चाइनीज़ में बहुत तरह की सॉसेज इसका भी यूज़ होता है, लेकिन मैं अभी यहाँ पे किसी भी तरह की कोई केचप का यूज़ नहीं कर रही हूँ। बस इतने ही मसाले हमें यहाँ पे डालने हैं और इसे हम अच्छे से हिला लेंगे। तो देखिए हमारी स्टफिंग बनके रेडी है, बहुत ही बढ़िया से हमने स्टफिंग को बना के रेडी किया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो आटा हमने गूंद के रखा था ना, उसमें से एक लोई ले लेंगे इस तरह से, उसके ऊपर सूखा आटा छिटकेंगे और अच्छे से बेल के तैयार कर लेंगे। बिल्कुल ही हमें चपाती के आकार का बेल के तैयार करना है। जितनी बड़ी हम चपाती बेलते हैं ना, उतनी ही बड़ी हमें बेलना है, बहुत ज़्यादा पतला भी हमें नहीं बेलना है। देखिए इस तरह से अब अपनी स्टफिंग को हम बीच में रखेंगे और स्टफिंग को हम तिकोने आकार में रखेंगे। बिल्कुल ही सेंटर में इसके तिकोने आकार में मैंने इस तरह से स्टफिंग को लगा दिया, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे ना, ऊपर से इस तरह से फोल्ड करेंगे, हमें तिकोने आकार में फोल्ड करना है। अब इसे साइड से भी ऊपर की तरफ फ्लैप कर देंगे इस तरह से। तो ऊपर से मैं इसे इस तरह से चिपका दूंगी अच्छे से, ताकि ये खुले ना। अब हम साइडों से इसे हल्के हल्के से अच्छे से चिपका देंगे, ताकि पराठा बेलते वक्त कहीं से भी स्टफिंग बाहर ना आए। तो चलिए इसे नीचे से भी फोल्ड कर देते हैं। बिल्कुल ही नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हुए मैं इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ, ये देखिए। और साइडों से इसे हम अच्छे से चिपका लेंगे। बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हुए हमें नहीं बेलना है, थोड़ा सा सूखा आटा इस पे डालेंगे और हल्के हाथों से इसे बेलेंगे। बहुत ज़्यादा प्रेशर देंगे तो स्टफिंग हमारी बाहर आ सकती है, तो हल्का बेलन चलाते हुए हमें इसे बेलना है। देखिए इस तरह से हल्के हाथों से बेल के मैंने इसे तैयार कर लिया है। देखिए बहुत ही बढ़िया मेरा पराठा बेल के तैयार हो गया है, ये देखिए कितना ही बढ़िया लग रहा है, और स्टफिंग हमारी चारों तरफ अच्छे से नज़र आ रही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तवे को मैंने मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है और एक एक करके मैं पराठा इसमें डालूंगी, और जब हमें लगे ये नीचे से हल्का सा सिक गया, इसे पलट देंगे। वाओ देखिए कितना ही बढ़िया टेक्स्चर आ रहा है मेरे पराठे पे। ऊपर से मैं इस पे घी लगा रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे पलट देते हैं, इस तरफ भी हम घी लगा लेंगे। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी लगता है गाइज ये पराठा खाने में। आपको लगेगा या तो आप नूडल्स खा रहे हो या स्प्रिंग रोल्स खा रहे हो, बहुत ही अमेजिंग बनके तैयार होता है ये खाने में, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। ये देखिए मैंने इसे प्लेट में निकाला है, कितना ही बढ़िया लग रहा है, कितना ही बढ़िया मेरा चाइनीज़ पराठा बनके तैयार हुआ है। तो चलिए हम अगले पराठे को भी सेक लेते हैं। तो इसे भी मैं अच्छे से उलटते पलटते हुए सेक लूँगी, ऊपर और नीचे से अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक, क्रिस्पी होने तक हम इसे सेक लेंगे। तो दोनों तरफ से घी लगाते हुए मैंने इस पराठे को भी अच्छे से सेक रही हूँ। ये देखिए कितना ही बढ़िया क्रिस्पी हमारा पराठा बनके तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से सारे पराठे में बना के तैयार कर लूंगी गाइस। बच्चों को क्या, ये बड़ों को भी बहुत ही पसंद आने वाले हैं। आप इसे बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं, टिफिन तो पूरा का पूरा खाली होके ही आएगा, और आप इसे लंच में भी कैरी कर सकते हैं और सफर में भी ले जा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और अलग टेस्ट आता है इसका। ये देखिए कितना ही बढ़िया मेरा पराठा बन के तैयार हुआ है, हल्का सा बटर मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। तो चलिए मैं आपको एक बार इसे तोड़ के दिखाती हूँ। ये इतना गर्म है कि मेरे हाथों में भी नहीं आ रहा है। ये देखिए स्टफिंग हमारी पराठे में चारों तरफ अच्छे से फैली हुई है, और बहुत ही टेस्टी पराठा है, और ये हेल्दी भी बहुत है क्योंकि हमने इसे गेहूं के आटे में बनाया है। मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको मेरे आने वाली रेसिपीज की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में।